गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आप सभी घर में सुरक्षित होंगे, है ना? चलिए आज से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है क्लास सेकेंड में। ये हम रिवीजन करेंगे चैप्टर वन का। ये कुछ क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितना बनता है। तो अपने जो पिछला कर चुके हैं अप्रैल मंथ में, उसी का ये रिवाइज है, ठीक है? तो चलिए इसे देखें। क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर्स मीन्स गायब नंबर, तो हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर ब्लैंक्स हैं, हंड्रेड नाइन सॉरी टेंस ब्लैंक्स वंस, ठीक। तो यहाँ हमने कर दिया है, हालांकि यहाँ पर जो वन है वो किस प्लेस में है, हंड्रेड की प्लेस में है, इसलिए यहाँ वन लिखे हैं। नाइन है वो किस प्लेस में है, टेंस प्लेस में है, इसलिए नाइन लिखे हैं। फाइव किस प्लेस में है, वंस की प्लेस में है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर वन हंड्रेड नाइन टेंस फाइव वंस। लेकिन हम इसको रीडिंग किस तरह से करते हैं, हम इसको हम रीडिंग 195 पढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, इसका बी ऑप्शन 100। अब यहाँ पर वन दिया हुआ है, 100 भी लिखा है। टेंस ब्लैंक्स हैं, टेंस और वंस ब्लैंक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर एक स्क्वायर टू करके नंबर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर 172, तो वन किस प्लेस में, 100 की प्लेस में, सेवन किस प्लेस में गया, टेंस प्लेस में, और टू किस प्लेस में गया है, यहाँ पर वंस प्लेस में। तो ये क्या हुआ, 107 टेंस टू वन इक्वल टू 172। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट सी ऑप्शन, 103 टेंस नाइन वंस। अब यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, ब्लैंक्स दिया हुआ, यहाँ पर हम इस तरह से नंबर लिखना है, ठीक है? तो किस तरह से लिखेंगे, 103 टेंस वन नाइन वंस, नाइन वंस को हम किस तरह से लिखेंगे, 139 में बदल देंगे, इस तरह से बोलेंगे। अब यहाँ पर ब्लैंक्स दिया हुआ है, 100 दिया है, यहाँ पर फाइव टेंस है, यहाँ पर थ्री वंस दिया हुआ है, लेकिन क्या नहीं दिया था, वन। तो यहाँ पर 100 हमेशा वन ही होता, 100 है ना, तो यहाँ पर हम 153 इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बी है, राइट द नंबर्स नेम ऑफ द गिवन नंबर। इसी तरह से यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इसके नंबर नेम लिखने हैं, हमको नंबर्स दिए हैं, यहाँ पर हमें नंबर नेम लिखना है। जैसे 143 दिया है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ओ एन ई वन वन, हंड्रेड एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड, एफ ओ आर टी बाई फोर्टी, टी एच आर डबल ई थ्री 43। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पर 177, तो इसको भी हम किस तरह से लिखेंगे, 100 ओ एन ई वन 170 एस ई वी ई एन डी बाई 77 एस ई वी ई एन 777, ठीक है? यहाँ पर इसी तरह से यहाँ लिखेंगे ओ एन ई वन 100 एच यू एन डी आर ई डी 100 70 एस ई वी ई एन टी बाई 77 एस ई वी ई एन 7। इस तरह से यहाँ पर इसके नाम नेम लिखने हैं नंबर्स के, ठीक। इसी तरह से ये आप करेंगे 192 और 139 को आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, राइट द नंबर्स और द फॉलोइंग नंबर्स नेम्स। अब यहाँ पर नंबर नेम दिया है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पर 107, तो इस तरह से हमें लिखना है 107 107 166 99 99 नंबर, ठीक है? नंबर्स नेम हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं, व्हाट कम्स नेक्स्ट काउंट फॉरवर्ड एंड राइट। अब हमें क्या करना है, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे, मतलब आगे बढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर नंबर है, ऑप्शन में नंबर्स दिए हुए 106 107 108, तो हमको इसके नेक्स्ट नंबर कर लिखते हुए आगे बढ़ाना है। जितने आपने यहाँ पर लाइन खींची हुई है, उतने नंबर हमें यहाँ आगे बढ़ाने हैं, ठीक है स्टूडेंट? तो क्या आएगा, 108 109 110 111 112 113 तक आएगा। इसी तरह से 120 से 21 22 23 24 123 24 25 26 27 ऐसे आगे बढ़ते जाइए, इस तरह से 145 आएगा।
ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड नंबर। अब बोल्ड मीन्स जो हमको यहाँ पर हाईलाइट, जब से बोल्ड दिख, मतलब अलग से हाईलाइट दिख रहा है ना, 6 तो दो बार दिया है, 6 लिखा है, लेकिन बार वाला जो 6 है वो कैसा है, बोल्ड बड़ा है और हाईलाइट भी है। ठीक है, तो इसकी हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। हमने आपको पहले इसको पढ़ाया है कि प्लेस वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, तो 6 जो है वो किस प्लेस में है, टेंस प्लेस में, तो यहाँ पर हम टेंस लिखेंगे। ओके, 165 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 अब किस प्लेस में है, यहाँ पर जो 5 है वो वंस प्लेस में है, 6 जो टेंस प्लेस में है, और 1 जो है वो 100 प्लेस में। लेकिन हमें बताना क्या है, जो ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है उस नंबर को हमें बताना है कि वो किस प्लेस में, तो वो किस प्लेस में नज़र आ रहा है हमें, टेंस प्लेस में। इस तरह से 137 100 प्लेस में है, 6 अब किस प्लेस में, अकेला सिंगल नंबर है 6, तो वो किस में है, वन प्लेस में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ईच पेयर राइट द ग्रेटर नंबर इन द सर्कल एंड द स्मॉलर नंबर इन द बॉक्स। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर कुछ पेयर दिए हुए हैं, जोड़ियाँ दी हुई हैं नंबर्सों की, तो हमें क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि एक में सर्कल बना है और एक में बॉक्स बना हुआ है, तो हमें जो सर्कल वाला है उसमें हमें ग्रेटर नंबर मतलब बड़े नंबरों को लिखना है, और जो बॉक्स बना हो उसमें हमें स्मॉल नंबरों को लिखना है। तो जैसे यहाँ पर 21 है और 71 है, तो बड़ा नंबर बिगेस्ट नंबर क्या नज़र आ रहा है, 71, तो हमने 71 को सर्कल में लिखा है और 21 को हमने बॉक्स में लिख दिया है। इसी तरह से 61 तो 61 अपने आप में बड़ा है, तो 61 बॉक्स में सर्कल में आएगा, और 41 जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। तो हमने अभी यहाँ पर पेज नंबर 18 का रिवाइज किया है। ठीक है, तो इतना आप लोग का होमवर्क है कि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, शुक्रिया।